स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 33 जोड़ी विमानों का शेड्यूल जारी किया है और ये शेड्यूल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। पटना से अयोध्या के लिए दोनों फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। अयोध्या जाने वाली स्पाइस जेट की और इंडिगो की एक एक फ्लाइट बंद की गई है। अब पटना से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है उपलब्ध। वहीं पहले की तरह पटना से देवघर के लिए सीधी फ्लाइट जारी रहेगी और ये सप्ताह में 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। पटना से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट बंद कर दी गई है। देवघर के लिए जारी रहेगी सीधी विमान सेवा। तो अयोध्या जाने वाली दोनों फ्लाइट बंद हुई है। पटना एयरपोर्ट से 33 विमानों का शेड्यूल जारी किया गया है। 30 सितंबर तक जारी रहेगा ये नया शेड्यूल। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, नया शेड्यूल के तहत अयोध्या तक जाने वाली दोनों ही फ्लाइटों को बंद कर दिया गया, क्या कुछ वजह और नया शेड्यूल क्या है? देखिए, नया शेड्यूल की बात की जाए तो नया शेड्यूल अब 33 जोड़ी जो विमान का है शेड्यूल जारी किया गया है और अब ये 30 सितंबर तक चलेगा। और किस तरह से, क्योंकि कहा जाए कि समय के अनुसार जैसे गर्मियों में है उसमें अधिक से अधिक फ्लाइटें चलती हैं और जैसे ही थोड़ी सी बात क्या नवंबर का अक्टूबर के बाद जो है फ्लाइटों की संख्या कम कर दी जाती है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये फ्लाइटें चलाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के लिए स्पाइस जेट और इंडिगो की एक एक फ्लाइट जो चलाई जा रही थी, जो पटना से लोग सीधे अयोध्या जाते थे, लेकिन अब जो है उन दोनों फ्लाइटों को बंद कर दिया गया है। वो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि संख्या भाई यात्रियों की संख्या उसमें काफी कम होती थी और यही कारण है विमान कंपनियों को घाटा लगता था, इसके कारण दोनों बंद कर दिया गया। वहीं देवघर के लिए सीधी फ्लाइट जो है वो चलेगी और सप्ताह में 4 दिन चलेगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 31 सितंबर तक जो शेड्यूल जारी किया गया है तो फर्स्ट फ्लाइट जो है पटना से 8 बजे निकलेगी और लास्ट फ्लाइट जो है 11 बजे की बात है, यानी कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पटना से जो है 33 जोड़ी जो फ्लाइट है वो आएगी जाएगी। जी रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो पटना से अयोध्या के लिए विमान सेवा को बंद किया गया है। चूंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रहती है, ऐसे में घाटा कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा था। तो आपको बता दें कि जो नया शेड्यूल है 30 सितंबर तक का वो जारी कर दिया गया है। देवघर के लिए जारी रहेगी सीधी विमान सेवा। भागलपुर के सबौर